है तो कुछ दिन देख लेते हैं, और नहीं तो फिर जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, उसका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन आप तो कभी कोल्हान में रहते हैं, फिर रांची आ जाते हैं, फिर आपका रामगढ़ में, इतना प्रेरणा आपको कहां से मिलता है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई ना कोई नेचुरल शक्ति मेरे पीछे कार्य कर रही, नहीं तो आसान नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये मेरी शायद 373 या 374 सभा है, उतना दिन नहीं हुआ आंदोलन का। शायद कोई अगला शख्स होता तो दिमाग की नसें फट जाती। दो घंटा स्पीच देना, प्रत्येक दिन कम से कम 400 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करना, यानी मुझे भी लगता है कोई शक्ति है, कोई जिद्दी है, कोई स्वभाव है जो मेरे पीछे कार्य कर रही है। बाकी एक मैं भी कभी बैठकर सोचता हूँ तो बड़ा मने लगता है कि शायद ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि राज्य की जनता, युवा, छात्र, किसान जागरूक हों, उनके लिए हम अपनी आवाज़ को मजबूत कर सकें। सबका धन्यवाद, जोहार। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। भाषा आंदोलन, स्थानीयता आंदोलन के बाद देखिए, मेरा मानना है सभी चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे विश्व के हैं, भारत के हों या राज्य के हों, प्रत्येक के पास रोजी रोजगार का साधन रहे, सभी का पेट भरे, सभी खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए मेरा मानना है उद्योग, व्यापार, नौकरी से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कृषि साबित होगा, कि कृषि एकमात्र सहारा है जो प्रत्येक व्यक्ति तक का पेट भर सकता है। तो जब ये प्रत्येक व्यक्ति का पेट भर सकता है तो उसके लिए सरकार की पहल अच्छी होनी चाहिए, सरकार की नीति इसके लिए स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार कृषि को लेकर एक नीति बनाए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आज यदि छात्र परेशान है, क्यों परेशान है? नौकरी के लिए हैं। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि उससे परिवार चलेगा और ये मानव का नियम है। लेकिन मेरा मानना है यदि कृषि को थोड़ा सा कृषि में फोकस किया जाए, जैसे हमारे पास धान फसल है, ये धान झारखंड का मुख्य फसल है, ये प्रत्येक जिलों में लगभग लगभग होता है। लेकिन जैसे ही धान की फसल समाप्त होती है, किसान बेरोजगार हो जाते हैं। उस समय वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, 200 रुपये 300 रुपये कमा सकते हैं, या किसान के जो बच्चे भी होते हैं वे भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो यदि मेरा मानना है जो डैम, चंडील डैम हो, मैथन डैम हो, पंचेत डैम हो, टेनूघाट का डैम हो, कोणार्क डैम हो, बड़ाकर का जो भी डैम बने हैं, कहीं ना कहीं वो बहुउद्देश्य योजना के लिए बने हैं। इससे बहुत सारा उद्देश्य की पूर्ति होगी, बिजली बनेगा, मत्स्य पालन होगा और सिंचाई के लिए। तो उन पानी की अगर सुविधा गेहूं के लिए की जाए, धान हम लोग मोटा मोटी बारिश में हो जाती है, कभी सुखाड़ होता है, तो नियति और प्रकृति की बात है। लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करते हुए उन डैमों का पानी, नदियों का पानी यदि खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो उनके हाथ में दूसरी फसल आ जाएगी। बस थोड़ा सा विजन को क्लियर करना है, थोड़ी सी पैसे को खर्च करना है। ऐसे आप बहुत पर खर्च करते हैं, बंदर बांट हो जाती है और आपस में मंत्रालय में बढ़ जाता है, ब्यूरोक्रेसी में बढ़ जाता है, ठेकेदारी में बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी अगर पैसे की राशि अगर सही दिशा में खर्च की जाए और उस पानी को अगर खेतों तक पहुँचाया जाए तो धान के बाद वो गेहूँ उगाएंगे और फिर उन्हें 3 महीना 4 महीने का रोजगार मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे रोजगार की मात्रा भी कम होगी। झारखंड क्या है, एक मैंने पर्यावरण का क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है, यानी यहाँ पर्वत पर्वत हैं। तो यदि उसको हम अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ भी स्कोप आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास नीति नहीं है। दूसरी बात, अभी आपका देखिए सुखाड़ घोषित किया गया है और सुखाड़ की जो राशि है वो प्रति एकड़ 3500 है, लेकिन आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट कहती है कि 28,000 खर्च करते हैं एक एकड़ में जो खेती करने के लिए। तो 28,000 खर्च होता है, 3500 आप दे रहे हैं, तो ये नीति कौन बना रहे हैं? कौन ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं? कौन अधिकारी बना रहे हैं? किस मंत्री के रजामंदी से, किस कैबिनेट में बैठ के आप ये नियम बना रहे हैं, जो आपको अंदाजा नहीं है कि 28,000 खर्चा होता है, आप 3,500 में निपटा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या किसान भी आपको दिखेंगे झारखंड में आंदोलन करते हुए? मुझे लगता है नौजवान और किसान दो प्रमुख होंगे जो आने वाले दिन सड़कों में आंदोलन करते हुए दिखेंगे। नौजवान अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी उम्र सीमा को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, और किसान अपनी कृषि को उन्नत करने के लिए, साथ ही साथ कृषि की जो भूमि है उसे बचाने के लिए, क्योंकि अभी सड़क चौड़ीकरण पूरा अंधाधुंध हो रहा है। अरे देखिए, हम लोग सड़क के विरोधी नहीं है, क्योंकि पर्यटन भी और जो ट्रांसपोर्ट है वो भारत की उन्नति में, राज्य की उन्नति में योगदान देता है। सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन क्रिटेरिया क्या होना चाहिए? जो सड़क तो हवा में नहीं बनेगी, सड़क तो पिलर पे आप नहीं ले जाएंगे, जमीन चाहिए नीचे। तो जमीन जिनकी ली जाएगी उन्हें उचित मुआवजा मिले, उन किसानों को एक अच्छी राशि मिले। लेकिन 8,000 रुपये प्रति एकड़ जिस जमीन पर मैंने वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है, जो सदियों से कर रहा है और सदियों तक करेगा, उसे आप इस तरह कोड़ी के भाव ले लेंगे तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होगा और ऐसे में आंदोलन का विषय बनता है। क्या आह्वान कर रहे हैं किसानों को? किसानों को आह्वान यही कर रहे हैं कि सबसे पहले किसान, चूंकि सरल लोग, खेत खलिहान में जीव जंतुओं के साथ परिवार के लिए
अन्न उगाकर भरण पोषण करने वाले लोग हैं, ये सरल लोग हैं, ये दुनिया से बहुत दूर, विधानसभा में इनके लिए मौत का फरमान आता है इन्हें पता भी नहीं चलता है, BDO और CO मिलकर किस प्रकार इसकी ज़मीनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं इसे पता भी नहीं है, कलेक्टर किस प्रकार इनकी ज़मीनों के साथ व्यवहार कर रहा है ये भोला भाला इंसान, ये किसान नहीं जानता है। इसीलिए किसान को जानना होगा, उसे अपने एक हाथ में कुदाल, एक हाथ में गैता सावल, एक हाथ में खलिहान, एक नज़र से खलिहान और उसी समय एक नज़र से देश के संविधान को पढ़ना होगा, उसे जानना होगा। भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो स्पष्ट कहती है जमीन के बदले जमीन के प्रावधान, और साथ ही साथ जमीन आप तभी ले सकते हैं किसी भी परियोजना के लिए जब 80% लोगों की रजामंदी होगी। तो इसलिए आज किसानों को एक नज़र खलिहान पर, दूसरी नज़र संविधान पर होनी चाहिए। नियोजन नीति रद्द हुई है, सरकार से वार्ता भी हुई छात्रों को, 26 जनवरी तक का समय दिया गया है नियोजन नीति बनाने का और अगले 3 महीने में उस पर अमली जमा पहनाया जाएगा, कितना भरोसा है जरा महतो को इस पर? देखिए, जो सरकार की अभी तक मनोदशा रही है, सरकार की जो कार्यशैली रही है उस पर विश्वास तो 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विश्वास पे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग भी थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। जब उम्मीद के अनुरूप नहीं उतरेंगे तो बहुत बृहद आंदोलन होगा और राजधानी से लेकर ऊपर राजधानी तक का जाम होगा। जयराम महतो किस तरह का नियोजन नीति चाहते हैं छात्रों के लिए? हम स्पष्ट चाहते हैं कि कोई भी जो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह एक नियम तो आए, जिस प्रकार बंगाल में एक नियम है 5 सीटें भूटान या नेपाल के लिए और 5 ऑल ओवर इंडिया के लिए और 90 बंगाल वासियों के लिए, हम वही नियम चाहते हैं चाहे जिस स्तर से हो, क्योंकि विधानसभा के भीतर आप हैं, नियम आपको बनाना होगा। हमें बस नियम चाहिए कि मैंने कम से कम बाहर के जो विकसित राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो कम से कम अगर प्रवेश करें तो नियम से करें, जैसा नियम अन्य राज्यों में है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, यहाँ तो 36% देख रहे हैं सहायक अभियंता में नौकरी बाहर के लोग ले जाते हैं। आपका 2016 की जो टीचर बहाली थी उसमें 37 में 36 केमिस्ट्री के टीचर बाहर के आते हैं, 57 में 56 संस्कृत के टीचर आपके बाहर के आते हैं, तो क्या हम लोग झुंझुना बजाने के लिए झारखंड लिए हैं? क्या हम लोग मजदूरी करने के लिए झारखंड लिए हैं? हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं, मानवता के नाते आप उत्तर दीजिए। लोग यदि अपना अपना हिस्सा खाए उसे प्रकृति कहते हैं, अपना हिस्सा कोई बांट दे उसे संस्कृति कहते हैं, और कोई किसी के हिस्से को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। यहाँ झारखंड में विकृति होता है, बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे हिस्से को छीन कर खा रहे हैं, हम चाहते हैं उसे प्रतिबंधित किया जा रही, हम नहीं, भारत देश के पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्लाह ने स्पष्ट कहा है कि राज्य चाहे तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय संविधान 309 राज्य सूची का प्रयोग करते हुए अन्य राज्यों, विकसित राज्यों के अभ्यर्थी को अपने राज्यों में बहाल होने से रोकने के लिए, बैरियर लगाने के लिए वो कानून बना सकता है। और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते थे, 1937 में उन्होंने कहा था कि राज्य में राज्यवासी को तभी उसका आभास होगा जब उसके लिए प्रावधान होगा, इसलिए हम भी वही चाहते हैं। 3 सालों में सरकार ने मात्र 376 नौकरियां दी हैं, इस पर क्या कहें? इस पर यही कहेंगे उदासीन राजनीति, ये राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, इनके पास दूरगामी सोच नहीं है, उसी का ये परिणाम है। अतः इसका फैसला झारखंड राज्य के युवा, नौजवान और किसान करेंगे कि ये राज्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। सवाल लेंगे, छात्रों को क्या आह्वान करेंगे नियोजन नीति को लेकर? छात्रों को आह्वान करेंगे जो अल्टीमेट दिया गया है उसे देख लें, क्योंकि हमने जब 22 साल से झेला है, इतने दिनों से संघर्ष किया है, तो कुछ दिन देख लेते हैं, और नहीं तो फिर जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है।